आष्टा के उपस्वास्थ्य केंद्र पर विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जाना और पौधारोपण भी किया। उन्होंने महिला चिकित्सक नियुक्ति कराने के निर्देश भी दिए। सीहोर के जनपद पंचायत आष्टा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगर जरा से भी लापरवाही होगी तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस दौरान विधायक ने वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाए। वहीं ग्रामवासियों ने विधायक से गौशाला की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि गौशाला जल्द से जल्द बनाई जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार है, सारे काम जल्द पूरे होंगे। उन्होंने अस्पताल में महिला चिकित्सक नियुक्त करवाने के निर्देश भी दिए। आज हम लोग माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम वाला कार्यक्रम जो है हमारा वृक्षारोपण का, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हमारे विधानसभा के पूरे विधानसभा में एक सघन हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तारतम्य में आज हम सिद्धिगंज ग्राम में आए थे। और आज हमने आयुष्मान आरोग्य केंद्र जो है हमारा यहाँ के सिद्धिगंज का, उसमें कार्यक्रम था। यहाँ पे पेड़ लगा, यहाँ पे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण थे, हमारे महामंत्री आदरणीय दारा सिंह जी पटेल साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जाट साहब और सभी यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता सरपंच से लेके सभी लोग थे। निरीक्षण में यहाँ पे स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी के अलावा यहाँ जो ऊपर जो शेड है वो शेड में पानी का बताया, तो वो शेड को मैं मेरी खुद की राशि से उसको लगवा दूंगा पेड़ को। और इनको बोला है कि स्टाफ की जो कमी है पूरा मेरे को लिख के अवगत करवाएं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हमारा उसमें कितना स्टाफ होना चाहिए, अभी कितना है तो वो हम उसको NHM से पूरा इसमें यहाँ पे और स्टाफ को लेके आएंगे, अधिक से अधिक पूरा स्टाफ रहेगा यहाँ। ये हमारे क्षेत्र में ये आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।